हाँ, और यहाँ कंट्रास्ट तक हमने पढ़ा था, पढ़ लिया था हमने ये कंट्रास्ट। अच्छा, वेल तो कंट्रास्ट में ये बता रहा है कि व्हेन पिकिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर देयर इज इनफ कंट्रास्ट फॉर द टेक्स्ट टू बी लेजिबल। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके बताइए, अभी प्रोजेक्टर पे तो शायद उतने अच्छे से फील नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आप नोट करें कि जहाँ पर लो कंट्रास्ट है वहाँ पर टेक्स्ट उतने अच्छे से पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर हाई कंट्रास्ट है वहाँ पे पढ़ने में तो आ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉप हो रहा है, ऐसा लग रहा है स्क्रीन से बाहर निकलेगा, सही है, और बहुत ज़्यादा एजी, बहुत ज़्यादा शार्पी फील करा रहा है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा शार्पी फील कराने का क्या नुकसान होता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर देखेंगे मीडियम में तो जहाँ पर मीडियम कंट्रास्ट है, ठीक है, कंट्रास्ट हम किस चीज़ को कहते हैं, दो कलर्स का जो डिफरेंस है वो कितना शार्प डिफरेंस है उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। यानी जैसे इसमें आप देखें कि बिल्कुल ही ब्लैक और बिल्कुल ही वाइट है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट कलर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, आपको पता है ना कलर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। येलो का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक का तो वाइट होगा, ये तो पता है सबको ना, और ग्रीन का अपोजिट क्या होता है, ब्लू का अपोजिट क्या होता है, और कोई पिंक का अपोजिट क्या होता है, अभी करके देखेंगे थोड़ी देर में। मिसाल के तौर पे इमेजिन करो कि बैकग्राउंड कलर जो वो रेड है, डार्क रेड है, उसके ऊपर येलो से टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो क्या वो रीडेबल होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो रीडेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेड बैकग्राउंड में येलो से अगर मैंने लिखा हुआ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो नज़र नहीं आएगा। कौन से कलर से अगर मैं लिखूं तो वो बेहतर नज़र आएगा, अगर वो डार्क रेड है तो उस पर मोस्ट प्रोबेबली मैं वाइट से लिखूंगा, अगर वो लाइट रेड है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर मैं ब्लैक से लिखूंगा उस पर, ठीक है। तो ये जो अपोजिट कलर्स होते हैं ना, यानी जाहिर है कलर्स का डिफरेंस है जो ये, यानी जो जिसको अपोजिट कलर से बेहतर है उसको हम कंट्रास्ट, देखो अभी टर्मिनोलॉजी की बात है ना, इसके लिए कंट्रास्ट के अलावा कोई वर्ड नहीं है कि दो कलर आपस में कितने अपोजिट हैं, जैसे वाइट और ब्लैक आपस में टोटली अपोजिट है, ठीक है, इसी तरह अगर डार्क रेड है तो उसका अपोजिट कलर वाइट भी हो सकता है और कोई दूसरा कलर भी हो सकता है जो उससे अपोजिट हो, देखने में डिफरेंट फील हो, वो उसका अपोजिट कलर हो सकता है, ठीक है। और अगर उसके अंदर वो मिसाल के तौर पे अगर रेड बैकग्राउंड है, लाइट रेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मीडियम लाइट रेड है, और उसके ऊपर मैंने अगर पर्पल से लिखा हुआ है तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं होगा, जो पर्पल है वो रेड से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये दोस्त बैठे हैं, इनकी शर्ट ब्लैक कलर की है और उसके ऊपर येलो से प्रिंट हुआ हुआ है, तो आप देखें दूर से वो नज़र आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट लग रहा है, बैकग्राउंड से बहुत डिफरेंट लग रहा है। ऑन अदर एंड अगर मैं कोई और यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा नहीं है जिसमें लाइट कलर हो, जैसे ये दोस्त बैठे हैं ग्रे कलर की, इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, इस पर लाइन्स बनी हुई है, लेकिन वो लाइन्स जो है वो ऑलमोस्ट ग्रे है, तो दूर से इतना ज़्यादा वो शार्पली फील नहीं होगी, ठीक है। ऑन अदर एंड जो इन्हीं के पड़ोस में रेड कलर में बैठे हैं दोस्त, इनकी आस्तीन पे जो लाइन है वो रेड कलर की शर्ट पे मोटी वाइट कलर की लाइन आस्तीन पे इनके बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये दो कलर्स आपस में कितना शार्पली डिफरेंट हैं उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यार द टेक्स्ट इज ईजियर टू रीड, ये हाई कंट्रास्ट की बात हो रही है अभी, हाई कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, इफ यू वॉन्ट पीपल टू रीड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट ऑन योर पेज, हाउ एवर देन टू मच कंट्रास्ट कैन मेक इट हार्डर टू रीड। कह रहे हैं कि जो हाई कंट्रास्ट है ना, ये थोड़ा सा टेक्स्ट अगर हो इस पर तो सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि ज़्यादा टेक्स्ट है, जैसे नॉवल टाइप की कोई चीज़ है या कोई पोस्ट है या कोई पैराग्राफ है 4 से 5 लाइन का या 3 लाइन का,
आप चाहते हैं कि वो रीड करे बंदा, तो उसमें ये हाई कंट्रास्ट जो है वो तंग करेगा, ठीक है। हाई कंट्रास्ट उसके अंदर इन्होंने हार्डर टू रीड लिखा है कि रीड करने में मुश्किल होगी आपको, ठीक है। जैसे कि हम ये वाला टेक्स्ट रीड कर रहे हैं और हम ये वाला टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, तो इसको टेक्स्ट को रीड करने में क्या होगा, इन्होंने लिखा है इफ़ टेक्स्ट इज रिवर्स्ड आउट अ लाइट कलर और अ डार्क बैकग्राउंड कलर, यू कैन इंक्रीज द हाइट बिटवीन लाइन्स एंड द वेट ऑफ फॉन्ट मेक इट इजियर टू रीड। कह रहे हैं कि अगर आप ये हरकत करने जा रहे हैं लॉन्ग पैसेजेस में, अगर आप कंट्रास्ट बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप क्या करेंगे, लाइन हाइट बढ़ाएंगे, सही है। इन्होंने कितनी चीज़ों का जिक्र किया है, इंक्रीज द हाइट बिटवीन लाइन्स। अब आप नोट करें इसमें जो है ना लाइनें करीब करीब हैं और इसमें लाइनें थोड़ी दूर दूर हैं, ठीक है। एंड वेट ऑफ द फॉन्ट, कह रहा है फॉन्ट को फिर बोल्ड भी थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेट जैसे एक तो साइज़ होता है कि साइज़ कितना बड़ा कितना छोटा है, वेट होता है वो कितना बोल्ड है, ठीक है। एक तो होता है ना सिर्फ बोल्ड कह देते हैं, वो बोल्ड में कम ज़्यादा का पैरामीटर होता है, ठीक है। 300, 400, 600 ये पैरामीटर्स होते हैं, तो आप कम बोल्ड या ज़्यादा बोल्ड भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को सीएसएस के अंदर रहते हुए। तो ये इन्होंने एक एडवाइस दी है कि अगर आप ये करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि हाइट बढ़ानी पड़ेगी और वेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, मीडियम कंट्रास्ट में क्या बात कर रहे हैं कि फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टेक्स्ट रिड्यूसिंग कंट्रास्ट अ लिटिल बिट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। कह रहा है कि लॉन्ग पैसेजेस में बेहतर ये है कि आप हाई कंट्रास्ट से बेहतर है आप मीडियम कंट्रास्ट लगाएं, ठीक है, वो उससे रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये सारी रिसर्च बेस्ड चीज़ें, ये सारी डिज़ाइन की टर्मिनोलॉजीज हैं, डिज़ाइनर्स के ख्याल में ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली 90% लोगों पर ही अप्लाई हो जाएगा, कुछ लोगों पर ही अप्लाई नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हल्का सा कंट्रास्ट कम करने से सभी लोगों के लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन 99% क्योंकि रिसर्च बेस है, एक लंबे अरसे के मतलब एक्सपीरियंस के बाद इस चीज़ को समझा गया है कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि 90% जो लोग हैं उन पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जो बच जाते हैं लोग उनके लिए फिर हम कस्टमाइजेशन रख देते हैं। अगर हमारे पास हमारी वेबसाइट है, अगर वो मेनली उस पर लोग बुक रीड करने आते हैं, तो हम वहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं कि वो कंट्रास्ट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। आपने देखा होगा ब्राउज़र्स में कुछ वेबसाइट में ये ऑप्शन होता है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, पीडीएफ रीड कर रहे होते हैं, तो लाइट मोड डार्क मोड पे आप मूव कर सकते हैं, आप फॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन 10% लोगों को टारगेट करने के लिए जो ऐसे कवर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई सोशल मीडिया साइट है तो उस पर आमतौर पर लोग रीड करने नहीं आते हैं, उस पर लोग पिक्चर्स वीडियोज़ के जरिए आमतौर पर इंटरटेन हो रहे होते हैं, 2 से 3 लाइन का टेक्स्ट होता है। बहुत लंबी पोस्ट अगर कोई है तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है सोशल मीडिया कंपनीज की तरफ से कि उसको लोग इतना रीड नहीं करते, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें वो जनरल किस्म की जो चीज़ें हैं वो अप्लाई हुई भी होती हैं और बाकी टेक्स्ट और इमेज उसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बुक पढ़ने की वेबसाइट है तो आप उसमें देखेंगे कि वहाँ पर ये ऑप्शन आमतौर पर दिया हुआ होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, साइज़ बढ़ा दो, कम कर दो, ठीक है। ब्राउज़र में भी रीड मोड आजकल एक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो रीड मोड करते ही वो सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसी तरीके से फॉक्सिट रीडर वगैरह या एडोब का जो पीडीएफ रीडर है वो आप खोलते हैं तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमने कंट्रास्ट की कुछ बात कर ली। अच्छा, कंट्रास्ट हम सीएसएस के ज़रिए बढ़ा या कम नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली जो कलर हम लगाएंगे ना उससे ऑटोमेटिक कंट्रास्ट डेवलप हो जाता है। कंट्रास्ट कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है सीएसएस में कि कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट लो, ठीक है। वो एलसीडीज में हार्डवेयर लेवल पे ये काम होता है कि अगर कोई मूवी चल रही है तो आप कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, तो वो कंट्रास्ट बढ़ाने से वो क्या करता है, वो कलर की एक्चुअली सैचुरेशन बढ़ा देता है, तो वो आपको तो बहुत शार्प शार्प लगने लगता है। मतलब जो ग्रे दिखता है पहले वो वाइट की तरफ मूव कर जाता है और जो हल्का सा डार्क ग्रे होता है वो ब्लैक की तरफ मूव कर जाता है, तो वो फिर शार्पनेस बढ़ जाती है। वो हार्डवेयर लेवल पे इन्होंने किया हुआ होता है ताकि आपको ऑप्टिमम दिखे। तो अच्छा, बाय द वे, जो एलसीडीज भी होती है ना आपकी, जो आपकी एलसीडी होती है, जो आपका हार्डवेयर होता है, उसमें जो ऑप्शन होता है ना कंट्रास्ट बढ़ाने या कम करने का, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस कंट्रास्ट को फुल कर दें, ठीक है। कंट्रास्ट कैसे सेट होता है कोई बता सकता है यहाँ पे? कोई बता सकता है कि एलसीडी स्क्रीन का अगर मुझे कंट्रास्ट ऑप्टिमम रखना है ना मुझे, अदरवाइज तो ग्रे दिखाएगा ही नहीं मुझे, जो लाइट ग्रे उसको वाइट कर देगा। कैलिब्रेशन उसको कहेंगे हम, कि एक्चुअली वो कंट्रास्ट कैलिब्रेट करना होता है हमें,
क्योंकि वो इसलिए इन्होंने दिया हुआ होता है कि जाहिर है जैसे मैंने जिक्र किया था हर पिक्सल के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब क्योंकि वो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब का ये नेचर है कि वक्त के साथ साथ डिम हो जाती है थोड़ी, तो जब वो डिम हो जाती है तो आप थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं तो पावर उसको और मिलती है, वो फिर सही हो जाता है, समझ रहे हो? तो वो इसलिए होता है कैलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसको कैलिब्रेट करेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो देख रहे हैं ना कलर, अब अगर हमें कोई कलर ग्रे दिख रहा है तो हम समझेंगे वो ग्रे ही है। अच्छा, इसकी एक इमेज भी होती है। हाँ, कंट्रास्ट सेटिंग इमेज करके कुछ होता है, इस तरह की इमेजेस होती हैं। आप इसको खोलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वो कहता है कि ये पूरा वाइट है, ये पूरा ब्लैक है और दरमियान के शेड्स हैं, दरमियान का शेड हर शेड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर आपको ये इस तरह का दिख रहा है ना, दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसका मतलब है मसला है। ऐसा जिस पॉइंट पर दिख रहा है वो आपके लिए ऑप्टिमम है, सही। इस तरह की बहुत सारी ऐसी इमेजेस इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, आप उसको स्क्रीन पे खोलते हैं। कंट्रास्ट कैलिब्रेशन इमेज, सही है, ये कंट्रास्ट को कैलिब्रेट करने के लिए होता है। ये पूरा वाइट है, ये पूरा ब्लैक है, ये देख रहे हो, ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा वाइट, ये पूरा वाइट है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आप इसको खोलते हैं फुल स्क्रीन करके और आप उसको कंट्रास्ट को एक जगह सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट में, ये कलर में भी आता है, डिफरेंट कलर्स में भी आ रहा होता है ये, तो उसमें आप डिफरेंट कलर्स पर भी कर सकते हैं। इस तरह का आपके विंडोज़ के अंदर ना एक एडजस्टमेंट होती है कलर की, उसमें ये इस तरह का दिया हुआ होता है, इन्होंने इस तरह का दिया हुआ होता है, ये बारीक बारीक लाइनें हैं, तो ये लाइनें आपको जिस पॉइंट पे शार्पली दिख रही हैं और उसका ग्रेडियंट सही दिख रहा है तो वो जगह ऑप्टिमम है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह से चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा अक्सर टीवी के ऊपर ये खुल जाता है, पुराने ज़माने में खुल जाता था, तो ये असल में क्या है, ये कैलिब्रेशन के लिए एक इमेज बनाई हुई है कि ये इमेज जब इसके अंदर आपको जब रेड बिल्कुल परफेक्ट रेड दिख रहा है, जब ब्लू बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है और ये इतना पार्ट कंट्रास्ट के लिए है, ये वाइट है, ये पर्पल है, ये ग्रे है, तो मतलब हाथ में आप वो जो टीवी चैनल वाले मोस्ट प्रोबेबली ये करते होंगे, ये इस तरह करते होंगे कि उनके पास ब्लू कलर का और रेड कलर का और पिंक कलर का पेपर होता होगा, उस पेपर से जब एग्जैक्ट मैच होगा ये आपकी स्क्रीन पर भी वैसा ही दिखने लग गया तो वहाँ पर ऑप्टिमल है, वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरह करते होंगे। तो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओपैक्सिटी है। ओपैक्सिटी क्या चीज़ है? HTML5 के अंदर और सॉरी CSS3 के अंदर जो कलर सेट करने का जो ऑप्शन था ना हमारे पास, वो एक तो RGB है, एक है RGBA, लास्ट वाला जो है वो अल्फा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप तीन जो RGB की वैल्यू है वो तो एज इट इज़ पास करते हैं और चौथी एक वैल्यू आप पास करते हैं अल्फा की। अच्छा, अल्फा जो है वो अगर आपने ज़ीरो किया है तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट आप। और अगर आपने ये अल्फा दिया है वन, बाय डिफ़ॉल्ट ये वन होता है, तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ओपैक्सिटी कोई बता सकता है अंग्रेज़ी में ओपैक किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी चीज़ जिससे लाइट पास नहीं होती उसको हम ओपैक कहते हैं। लाइट पास नहीं होगी इसका मतलब है हम उसके आर पार भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था देखने का ताल्लुक लाइट से, लाइट होगी तो दिखेगा वरना नहीं। तो हमारी जिस चीज़ से लाइट पास नहीं हो सकती हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ जो जैसे कोई कपड़ा है, जैसे कोई स्टील है, लोहा है, ये सारी चीज़ें ओपैक होती हैं, ठीक है। फिर एक होता है क्रिस्टल क्लियर, जैसे मेरे चश्मे का ग्लास है, ये ओपैक नहीं है, ये ओपैक का अपोजिट है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसकी ओपैक्सिटी क्या है? ओपैक्सिटी होता है कि कोई चीज़ कितना ओपैक है, तो इसकी ओपैक्सिटी ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं होगी, आइडियली ज़ीरो के करीब करीब कुछ है, 0.00 समथिंग होगी कुछ। और स्टील जो है उसकी ओपैक्सिटी 100% है, यानी कि अच्छा इसमें क्या होता है, ज़ीरो से लेके वन तक की कोई वैल्यू, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो, वन का मतलब 100%। अच्छा, इसी तरीके से ये ओपैक्सिटी इसकी क्या हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसी तरीके से कुछ जो शीशे होते हैं, जैसे ये ब्लाइंड वाले शीशे हैं, जो इसकी ओपैक्सिटी कितनी है,
जीरो और वन के दरमियान की कहीं है, शायद 0.3 या 0.5 इस तरह की कुछ है, क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं लेकिन हमें हल्की सी लाइट नज़र आती है, लाइट को वो 50% पास करता है, तो ओपेक्सिटी कहीं वो 50% के करीब है। इन्होंने यहाँ पे ना डेमॉन्स्ट्रेट करके भी बताया है कि पैराग्राफ वन जो है उसको इन्होंने क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर अलग से दिया है और ओपेक्सिटी अलग से दी है, और पैराग्राफ टू को इसने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर के साथ साथ वो ओपेक्सिटी भी पास कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट देंगे सेम आएगा। अब ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, क्योंकि 0.5 ओपेक्सिटी है तो ये 50% क्या हो गया, ओपेक हो गया। 50% ओपेक का मतलब है कि आधी लाइट पास होगी आधी नहीं होगी। अच्छा, ओल्डर ब्राउजर जो है कुछ वो इसको सपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते होंगे, क्योंकि ये CSS3 में इंक्लूड किया गया, उससे पहले ये नहीं था। तो अगर कोई ब्राउज़र ऐसा है जो CSS3 को सपोर्ट नहीं करता है तो ये उसमें नज़र नहीं आएगा आपको, आपको इसके अंदर ये ओपेक नज़र आएगा। अच्छा, इस चीज़ को अगर हमें देखना है कि कौन से ब्राउज़र में क्या चीज़ सपोर्टेड है, तो हम कैसे देखते हैं, ओपेक्सिटी लिखूँगा मैं और लिखूँगा साथ में MDN। MDN एक डॉक्यूमेंट है, सही है, जो मोज़िला वालों ने तरतीब दिया हुआ है, मोज़िला फायरफॉक्स वालों ने। ये ओपेक्सिटी एक CSS की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में यहाँ डिस्कस हो रही है चीज़। तो यहाँ पे जो लास्ट में ना, बिल्कुल यहाँ पे ना नीचे देखो एक चार्ट बना हुआ होता है कि कौन कौन से ब्राउज़र में ये ओपेक्सिटी जो है ना सपोर्टेड है। गूगल क्रोम का वर्जन होना चाहिए 78 या अबव, अभी 101 और समथिंग चल रहा है गूगल क्रोम का जो करंट वर्जन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज का 79 70, ओपरा में अभी भी नहीं करता ये शायद, सही है, ओपरा में ओपेक्सिटी की वैल्यू दे सकते हैं लेकिन परसेंटेज में नहीं दे सकते, सही है। सफारी में वर्जन 2 के ऊपर होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है कि अच्छा यार कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। तो अभी तो मेरा ख्याल है सब में ही सपोर्ट आ गई है इसकी, ये बुक क्योंकि 2009 में लिखी गई है जो हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त मोस्ट प्रॉबली इतने सारे ब्राउजर्स में ही सपोर्टेड नहीं था, क्योंकि 2009 से आज 13 साल हो गए शायद, तो 13 साल पहले ये ज़ाहिर है ब्राउज़र इतने एडवांस नहीं थे। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ज़ाहिर है बुक जो होती है वो थोड़ी पुरानी होती है एटलीस्ट, क्योंकि बुक जो अच्छी बुक लिखी जाती है ना वो लोगों को ये बात पता चलते चलते कि ये बुक अच्छी है 5 साल गुजर जाते हैं, सही है। तो बुक जितनी भी अच्छी बुक्स हैं ना वो 10 साल 20 साल पुरानी बुक्स होती हैं, वही अच्छी बुक लोगों को पता भी होता है और वो मार्केट में सब लोगों को पता होता है। जैसे एक सी लैंग्वेज की बुक है रॉबर्ट लोफर की, वो पता नहीं 1900 में उसने लिखी थी, वो आज तक लोग उसको बेस्ट बुक समझते हैं, सी लैंग्वेज की सबसे बेस्ट बुक है वो। तो बुक्स में ये एक चीज़ है। अच्छा, इसी तरह वीडियोज़ वगैरह में भी, जो आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें भी यही होता है कि कोई बंदा अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, किसी ने देखा उसको अच्छा लगा उसने किसी को बता दिया कि यार ये बड़ा अच्छा है, या आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं आपको रैंडमली वीडियो नज़र आ गई सामने, ठीक है, तो फिर वो वीडियो आपने देखी आपने कहा यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो फिर आप रैंडमली चैनल के अंदर जाके एक्सप्लोर कर लिया कि अच्छा और क्या किया है, सही है, फिर आपको पता चला अच्छा ये तो यूडेमी पे भी इसका कोर्स है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पता चलता है, तो उसमें टाइम लगता है बहुत। तो ये आप किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल में या बुक में अगर कोई चीज़ देख रहे हो ना इस तरह से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपने आके उसको क्रॉस चेक करना है कि अभी करंटली क्या सीन चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है CSS3 में ना कलर डिफाइन करने के 3 तरीके हमने पहले देखे थे, कौन कौन से 3 तरीके, कलर नेम, RGB और हेक्स। फिर हमने ये देखा कि RGB के साथ हम अल्फा भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो है RGB, कंसिडर करो उसको भी, हाँ अल्फा, उसी RGB में 4 पैरामीटर दोगे तो लास्ट वाला अल्फा कंसिडर होगा, अल्फा नहीं पास करोगे तो 1 अल्फा बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर होगा। देखो ऐसे भी कर सकते हो और ये लास्ट वाली वैल्यू भी दे सकते हो। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इसमें बैकग्राउंड कलर 2 दफ़ा क्यों दिया हुआ है इसमें, वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये सपोर्टेड नहीं है अल्फा वाली नए ब्राउजर्स में,
खुद ही बता रहे हैं ना ये, तो वो पहले ये अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद ये वाली दोबारा इन्होंने अप्लाई की है कि अगर ना भी लगे तो पहले वाली रहेगी, समझ रहे हो। लेकिन हमें अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने देख लिया अब ये अल्फ़ा वाली सब जगह सपोर्टेड है, तो अगर हमने अल्फ़ा लगाना है हम सिर्फ ये एक लगाएंगे, दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये बात मेंशन नहीं की है। हाँ ये देखो ना, यहाँ मेंशन की है, बिकॉज सम ब्राउजर विल नॉट रिकग्नाइज RGBA कलर्स, यू कैन ऑफर फॉल बैक। ठीक है, तो ये इसको फॉल बैक के तौर पे इसने डबल लगाया है कि अगर सेकंड वाले को रिकग्नाइज नहीं किया ना, RGBA है, देखो ना इसका नाम ही अलग है, RGBA नाम है इसका, इसको अगर रिकग्नाइज नहीं किया तो एटलीस्ट ये वाला तो रहे। अच्छा, अब कलर को बताने का ना एक चौथा तरीका है जो तीन के अलावा, वो है ह्यू सिचुएशन लाइटनेस। ठीक है, इसको वैसे ह्यू बोलते हैं लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है हू, सही है, तो हू सेचुरेशन लाइटनेस। अच्छा, इसमें भी जाहिर है HSL है, जैसे RGB था ना, इसमें HSL है और HSL A भी है, A मतलब अल्फा, तो वो RGB में भी दो है और इसमें भी दो है। अच्छा, बाय द वे हेक्स कोड में भी आप अल्फा पास कर सकते हैं, आखिर के जो दो डिजिट है ना उसमें अल्फा पास कर सकते हैं, ठीक है, हेक्स कोड में भी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर 6 डिजिट का नहीं होगा, वो फिर 8 डिजिट का होगा, लास्ट में 2 डिजिट उसके अल्फा के होते हैं। वेल, तो HSL में आप क्या करते हैं, 3 वैल्यूज देते हैं RGB की जगह, RGB में 3 वैल्यू देते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, इसमें आप 3 वैल्यू देते हैं, सबसे पहला हु, दूसरा सेचुरेशन और तीसरा लाइटनेस। अच्छा, हु जो है ना वो 360 है, 0 से लेके क्या है 360 तक है, और उसका ये बार बना हुआ है पूरे 360 का, सही है जी। अच्छा, ये 360 का जीरो कहाँ पे होता है, कौन बता सकता है मुझे, किसी ने अगर चला के देखा है, कोई बुक पढ़ रहा है पहले, बीच में कहाँ, अच्छा अभी लगा के देखते हैं। अच्छा, हु सिचुएशन लाइटनेस हम वैसे तो पढ़ चुके हैं कि होती क्या चीज़ है, मैंने कहा कलर और एक मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, सही है, और मैंने कहा कि यार इसमें हु सिचुएशन लाइटनेस की हेडिंग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक डिव बना लेते हैं, बॉक्स होता है जो कि डिव सब लोगों को पता है होपफुली, और इसको मैं दे देता हूँ क्लास बॉक्स है, एक सही है, एक सिंपल सा बॉक्स है, यहाँ पे मैं CSS लगा देता हूँ, स्टाइल, और मैंने कहा डॉट बॉक्स, और डॉट बॉक्स की मैं विड्थ हाइट डिफाइन कर देता हूँ पहले, फिर थाइट 200 पिक्सल मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद अब मैंने क्या देना है इसको, इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर में फ़िलहाल इसको रेड दे देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये सही बन गया है। उसके बाद फिर हम इसको क्या देंगे, HSL कलर देंगे, तो मेरे पास ये एक बॉक्स बन के नज़र आ चुका है जिसको मैंने HSL कलर दिया है। अच्छा, अब मैंने इसको ना, इसको मैंने सिंपल रेड कलर दिया था, अब मैं इसको HSL देने जा रहा हूँ, HSL ए भी लगा देते हैं, चलो ठीक है, HSL A। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले हु देना है, हु मैंने लगाया 0, उसके बाद क्या देना है मुझे, सिचुएशन, सिचुएशन हमने लास्ट डिस्कस किया था क्लास में, कोई बता सकता है सिचुएशन क्या होती है अगर याद है तो, अमाउंट ऑफ ग्रे इन एनी कलर इज कॉल्ड सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, तो सिचुएशन में क्या करूंगा इसकी, अगर 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ग्रे हो जाएगा, और अगर मैं इसकी सिचुएशन 1 करूंगा यानी 100 करूंगा 100%, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रे का अमाउंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे सिचुएशन कितना दे सकते हैं इसको, 0% से लेके 100% तक हम इसको दे सकते हैं,
ठीक है, जो दो बाकी की वैल्यूज है ये परसेंटेज में डलेंगी। तो मैंने कहा भाई इसकी 100% सेचुरेशन हो, ठीक है, जो भी कलर है जीरो। अच्छा ये फर्स्ट वाला जो है ना ये मैं डिग्री में दे रहा हूँ, राइट, ये अगर आप नोट करें तो एक सर्कल बना हुआ, ये डिग्री है, जीरो से लेके 360 तक की डिग्री है। सर्कल जो होता है उस, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ पढ़ी होगी सब लोगों ने होपफुली, तो वो जो डी होता है, डी नापते हैं जिससे, डी से एंगल नापते हैं ना, 180 डिग्री का वो होता है डी, तो वो हाफ सर्कल 180 का होता है, ज़ाहिर है फुल सर्कल फिर 360 का होगा, ठीक है। 360 कैमराज वगैरह भी होते हैं जो चारों साइड की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये असल में सर्कल जीरो से लेके 360 तक है। तो अब मैंने इस पर लिखा है जीरो डिग्री, तो देखते हैं जीरो डिग्री में कौन सा कलर आता है। अच्छा हू मैंने लिखा है जीरो डिग्री, सेचुरेशन 100% और लाइटनेस क्या चीज होती है, अमाउंट ऑफ वाइट इन एनी कलर या अमाउंट ऑफ ब्लैक, भूल गए हो ना सारा तुम, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ वाइट, या उसको लाइटनेस इसी वजह से कहते हैं, और ब्लैक डार्कनेस इन अ कलर, लाइटनेस रिप्रेजेंट एज अ परसेंटेज। जीरो का मतलब है कि ब्लैक, और 100 का मतलब है कि पूरा वाइट, और 50% का क्या मतलब है कि लाइटनेस इज नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिफॉल्ट पे दिया हुआ है वो 100% करके दिया हुआ है लाइटनेस को, सही है, नहीं 100% पे पूरा वाइट हो जाएगा एक्चुअली, 100% पे ना ये पूरा वाइट हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा बीइंग ब्लैक, 100% में बीइंग ब्लैक है, वेल तो हमने 100% पास किया, और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा वो नहीं पास किया ना हमने अल्फा, अल्फा भी 100% है, अल्फा इसमें कैसे पास किया हुआ है, 1 है, अल्फा 0.5 दिया ना, तो हम 1 दे देते हैं, हमें पूरा विजिबल चाहिए। हाँ भाई क्या हुआ इसको, फिफ्टी परसेंट का मतलब है रेड, 100% किया तो लाइटनेस फुल हो गई, बिल्कुल वाइट हो गया, और इसको अगर मैं 0% करूँगा तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो ये अमाउंट ऑफ लाइटनेस हो गई इसकी। तो मैंने कहा भाई 50%। अच्छा ये 0 डिग्री पे रेड है, अब मैं इसको क्या देता हूँ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे कौन सा कलर हो जाएगा ये, हाँ भाई ऑरेंज, ये वाला कलर पकड़ा है इसने, सही है। अब मैं इसको क्या दूंगा, 90 दूंगा, अब 90 पे ये कहाँ जाता है ज़रा देखते हैं, ग्रीन हो गया, सही है, मतलब ये 90 पे ये क्या हो गया, ये यहाँ से शुरू हुआ है टॉप से, जहाँ से घड़ी का कांटा शुरू होता है, 0 डिग्री यहाँ था, 45 यहाँ पर आया, 90 यहाँ पर आ गया, सही है। और मैं इसको 90 के बाद और 45 ऐड करता हूँ, 90 + 45 135 डिग्री दूंगा उसको, सही है, 135 पे ये क्या हो गया, इधर आ गया, और अब इसको मैं क्या दूंगा, 180 दूंगा, सही है। थोड़ा ये ब्लूइश जो कलर था हमारा इस जगह पर आ गया ये। तो इस तरीके से भी आप, अब गौर से इसको समझना, इसमें RGB के अंदर जितने कलर्स होते थे ना उतने ही कलर इसमें भी हैं, ठीक है, उतनी ही कॉम्बिनेशन इसमें भी बनेगी, जस्ट अनदर वे टू डेमोन्स्ट्रेट, जस्ट अनदर वे टू राइट द इंस्ट्रक्शन, कि आप RGB में लिख दो, आप हेक्स कोड में लिख दो, या आप इसमें लिख दो, LCD में 3 ही कलर हैं, उन्हीं 3 पे घूमेगा जो भी घूमेगा, और इसमें भी कितने बनेंगे, 16 मिलियन ही बनेंगे कलर्स। अगर आप इसकी कॉम्बिनेशन लगाओगे कि 0 से लेके 360 तक है, तो ये 360 कॉम्बिनेशन हो गई। आ जाओ इसको लगा लेते हैं, क्या क्या बन सकता है इसमें कॉम्बिनेशन, 360 मल्टीप्लाई बाई
आपका जो सिचुएशन जो है वो क्योंकि 0 से लेके 100% तक है, तो ये 100 ये पॉसिबिलिटीज बन गई मल्टीप्लाई बाय, और हमारे पास ये भी लाइटनेस भी 0 से लेके 100 तक है, तो ये 100 हो गया। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है, ये बनी है 1s, 10s, 100s, 10,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, ठीक है। तो 36 लाख ये बना है। अच्छा, लेकिन ये 36 लाख से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं 100 जो है 0 से लेके 100 ज़रूरी नहीं है मैं कि इंटीजर वैल्यू दूँ, मैं 50.1 भी दे सकता हूँ, 50.2 भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना पॉसिबिलिटी वैसे थियोरेटिकली ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 ही कलर हैं RGB, तो वो उतना ही रहेगा। अगर कल को कोई एडवांस स्क्रीन आती है तो उसमें इसमें पॉसिबिलिटी एंडलेस है, क्योंकि जो हम उसमें देते थे RGB में, उसमें इंटीजर वैल्यूज़ देते हैं, उसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देते, हम कहते हैं 23.25.50 पॉइंट। इसमें पॉइंट वाली दे सकते हैं ना, इसमें देखे ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार 99.5, तो देखते हैं इसको ये क्या करता है। सही है, कोई मसला नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो जाहिर है आपकी आंख से पता नहीं चलेगा, नॉर्मल आंखों से, ठीक है। तो वैसे इसकी कॉम्बिनेशन बन रही है 36 लाख, लेकिन उसके और भी आगे हो सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें पॉइंट में भी दे सकते हैं। फिर इसी तरह ये जो डिग्री है, जो डिग्री है ना ये मेरे पास, उसमें तो क्या होता था, मैं अमाउंट ऑफ रेड, अमाउंट ऑफ ग्रीन, अमाउंट ऑफ येलो। अब ये जो है ना, देखो बहुत ही स्लोली स्लोली चेंज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको दूं कि भाई 15 डिग्री पे आ जाओ आप, मैं 15.5 डिग्री भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके उसको बोलूँगा कि भाई 15.5 डिग्री पे जो कलर है उस पे चले जाओ आप, तो ये कर देगा, कोई मसला नहीं है इसको। तो मैं पॉइंट्स में इसमें वैल्यूज़ दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर इस तरह हम करें ना, जैसे वो एक मैथमेटिशियन था, कोई उसने कहा था कि भाई 0 और 1 के दरमियान क्या है, मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 15.5 भी दे सकता हूँ इसको, तो इसका मतलब है 15.52 भी दे सकता हूँ, 50.56 भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी है, तो 0 और 1 के दरमियान क्या है, एक 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे 0.9 तक है, फिर 1 आ जाता है। लेकिन 0.1 और 0.2 के दरमियान क्या है, 0.11, 0.12, 0.13, इसी तरह 0.99 तक जाके 1 हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन 0.01 और 0.02 के दरमियान क्या है, तो ये इन्फिनिटी है, सही है, नहीं करता है कंसिडर, नहीं मतलब ये क्या करता है वो एक बात अलग है, मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जो 255 कलर्स थे उसकी हम पॉसिबिलिटी कैलकुलेट मारते थे, सीधा आ जाती थी, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं बगैर पॉइंट वाली। लेकिन जहाँ पे ये पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हमारे पास एंडलेस हैं, इन्फिनिटी है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको 15.5264 दे रहा हूँ ना इसको, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक डिजिट या 2 डिजिट से ज़्यादा को कंसिडर तो नहीं कर रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली कर रहा भी हो, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, रिसर्च कीजिएगा इस पर, बताइएगा मुझे भी। HSL और MDN लिखता हूँ साथ में, तो ये मुझे बता देगा कि पैरामीटर में कितने पॉइंट तक की वैल्यू को ये एक्सेप्ट करता है। ये सिंटैक्स बता दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये हु जो आपने देना है ना, वो इस तरह से देना है, डिग्री में देना है, सही है। शुरू से ऊपर से टॉप से स्टार्ट होता है, येलो है, फिर येलोइश ग्रीन है, फिर ग्रीन है, ये क्वाड्रेंट हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, ठीक है जी। और ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हेन रिटर्न एज अ यूनिटलेस नंबर इट इज इंटरप्रेटेड एज डिग्री, ठीक है। और आप इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख दें आप, ठीक है। इन्होंने लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि मैं इसको पॉइंट में कितने उस तक दे सकता हूँ, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। एंगल में आपको देना होता है ये असल में,
ठीक है, एंगल को लिखने का जो सही तरीका है उसके अंदर वो ये है, ऐसे करके लिखेंगे आप, जीरो डिग्री, डिग्री रेड क्या उसको बोलते हैं, रेडियन, और ये लास्ट वाला क्या है, ग्रेडियंट। अच्छा, मुझे इतनी मैथ वैथ नहीं आती, तो वेल ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एंगल को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप जो है ना कितने, अच्छा पॉइंट में लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितने पॉइंट तक लिख सकते हैं ये जिक्र यहाँ पे भी नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो थियोरिटिकली इसमें क्या है, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, अनलिमिटेड कलर इससे आप बना सकते हैं, क्योंकि जीरो और वन के दरमियान इन्फिनिटी है। नहीं, वो आम आंखों से पता नहीं चलेगा ना, नहीं वो तो मैं लिख तो दिया मैंने, लेकिन वो आम आंखों से पता थोड़ी चलेगा। ये देखो ना, मैंने ये लिखा है 15.5264 लिखा है मैंने, ये डिग्री में कन्वर्ट करेगा इसको ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे डी ई जी बनाएगा इसको, तो वो तो आम आंखों से पता नहीं चलेगा कि वो वाकई उस चेंज को कंसिडर कर भी रहा या नहीं कर रहा, ठीक है। कोई एडवांस किस्म की एलसीडी आएगी तो उसमें पता चलेगा। वेल, क्योंकि वो उस सर्कल में रेड ब्लू और ग्रीन ही के सारे कॉम्बिनेशन हैं अलग अलग, ठीक है, जो नेचुरल से उसको करीब तरीन बनाया, तो वो कलर कॉम्बिनेशन असल में उसमें भी 16 मिलियन ही होगी अल्टीमेटली। वेल, तो ये हमने ह्यू सिचुएशन लाइटनेस पढ़ लिया, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ह्यू सिचुएशन लाइटनेस में आपको कलर मिला है, अगर हम जाएंगे गूगल पे और गूगल पे जाके ना मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा इसकी, ये आप तो गूगल पे भी छोटे मोटे कन्वर्टर्स आ गए ना, मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे हैश करके, मैंने कहा भाई 22A6 2E, ये मैंने कलर लिखा है, रैंडम कलर लिखा है, तो ये कलर लिखा हुआ आ गया मेरे पास। इसमें मुझे ये देखो RGB में भी बता रहा है, CMYK में भी बता रहा है, अभी CMYK आगे सीन है एक और, ठीक है, HSV HSL, इन सब में मुझे बता रहा है। तो ये HSL की वैल्यू मुझे मिल गई है 125 डिग्री, 66 और 39, उससे ये कलर बनता है, तो ये कन्वर्टेबल है, इसका मतलब है कि ये एक्चुअली वही चीज़ है। ठीक है जी, तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अच्छा, यहाँ पे जो कलर का चैप्टर था आपके वो कंप्लीट हो गया, और अब हम मूव करते हैं। हाँ, CMYK के बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ कि CMYK क्या चीज़ है। जो प्रिंटिंग के लिए जो कलर यूज़ होता है ना, वो CMYK होता है। हाँ,